हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं अमृतसरिया ढाबे पर, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन ढाबा है। और मैंने सुना है कि यहाँ के कुलचे बहुत फेमस है, और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब आलू कुलचा, गोभी कुलचा, पनीर कुलचा, बहुत सारे टाइप्स के कुलचे मिलते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ यहाँ के कुलचे ट्राई करने, अमृतसरिया ढाबा। और सबसे अच्छी बात यहाँ की कि ये एक प्योर वेजिटेरियन ढाबा है, तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन लोगों के लिए, मेरे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक अच्छी जगह है ट्राई करने के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ के कुलचे। तो गाइस, ये है अमृतसरिया ढाबा, जो कि है थाने मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, अंदर से ऐसा दिखता है प्योर ढाबा स्टाइल। ये मेरा बेटा अवि और ये मेरे हस्बैंड अंकुर। अब मैं आपको इसकी इंडोर सीटिंग दिखाती हूँ। यहाँ पर अंदर इंडोर सीटिंग भी है, अगर किसी को अंदर बैठना है एसी में। यहाँ की देखिए डेकोरेशन बहुत अच्छी है, लालटेन लगे हुए हैं, तो पूरा आपको ढाबे वाला फील मिल रहा है। ये इनका मेन्यू है, यहाँ पे इन पे अलग अलग तरीके के कुलचे हैं। और इनकी टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 11 to 3 PM है, और सैटरडे संडे को 10 AM to 3 PM दिन में। सो टाइम से आए। यहाँ हमने ट्राई करा है पनीर टिक्का स्टार्टर में, जो कि हमें मिला चटनी के साथ, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। दूसरा हमने ऑर्डर करा था आलू कुलचा, जो कि हमने करा था छोले के साथ। आप 60 rupees एक्स्ट्रा देके इसको दाल मखनी या पनीर ग्रेवी के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ हमें चटनी मिली। आलू कुलचे का टेस्ट बहुत 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 ज़्यादा यम्मी था, और विद रिच स्टफिंग, इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी थी। ये दाल मखनी जो देखने में काफ़ी अच्छी थी, पर इसका टेस्ट ढाबे वाली दाल मखनी का नहीं था। पनीर, ये पनीर मखनी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और नान में हमें ज़्यादा स्वाद नहीं आया। तो मिस्सी रोटी काफ़ी अच्छी थी तवे वाली। मैं यही कहूँगी, अगर आप अमृतसरिया ढाबा पर आ रहे हैं तो आप यहाँ आकर इनके कुलचे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये फेमस है अपने कुलचों के लिए। ये देखिए, ये अभी ट्राई कर रहा है। अभी को मैंने मिस्सी रोटी खिलाई थी, अभी अच्छा है, यम्मी, जो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। अभी 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 यम यम, तो मुझे तो मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है। बोल, मुझे तो मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है दिल्ली के किसी ढाबे पर बैठे। सबसे अच्छी बात हमें ताजी मिस्सी रोटी खाने के लिए बनी, जो हमने बनते हुए भी देखी। अच्छा, चलो बाय करते।